नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में, और मैं हूं आप सभी के बीच दिव्या। आज अपने इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा छोटा सा उपाय लेकर आई हूं जिससे आप जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां, कर्ज कर्ज आज के इस दौर में एक इतनी बड़ी समस्या बन चुका है जिससे हर कोई व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो। हर कोई इस कर्ज से ग्रसित है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए कर्ज से छुटकारा पाने के लिए छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता इस उपाय से कि रातों रात कोई छप्पर फड़ेगा और छप्पर फाड़ के पैसे आपको मिलेंगे और आप उससे अपना कर्ज चुका देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। होता क्या है कि हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे उपाय अपनाते हैं जिससे कि हमारे पैसों में बरकत होती है, हमारे आर्थिक आय के स्रोत बढ़ते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द हम हमारे कर्ज को चुकता कर सकें। इन उपायों से ऐसा संभव होता है। तो इसलिए छप्पर फाड़ के पैसा कहीं से नहीं मिलता, किसी भी उपाय से नहीं मिलता। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि उपाय सिर्फ आपके जीवन में एक सुधार, एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ आपको लेकर जाते हैं। आपके जीवन में एक ऐसे नए रास्ते खोलते हैं जिससे कि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सके। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही कर्ज से छुटकारा पाने का एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ, और यह उपाय एक छोटी से इलायची से ही संभव है। जी हाँ, एक छोटे इलायची और कर्ज से मुक्ति। कैसे, यह मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है कि एक चुटकी हल्दी लेनी है और दो छोटी हरी इलायची लेनी है। फिर आप दोनों इलायची पर उस हल्दी का लेप लगा लीजिए, मतलब इलायची को पूरा आप हल्दी से आप लेप दीजिए। अब आपको दो आटे के दीपक बनाने हैं। दो आटे के दीपक बना लें, उसमें आप घी डालकर पाती लगा लें। पहला दीपक जो है वह आपको गणेश जी की प्रतिमा के आगे करना है और ओम गण गणपतये नमः का जाप करना है। यह जाप आपको कम से कम 108 बार करना है, अर्थात एक माला का जाप करना है। और फिर आप उस दीपक में एक हरी इलायची भी अर्पित कर दीजिए और भगवान गणेश जी से आप प्रार्थना कीजिए कि आपको जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाए। यह तो आपने पहले इलायची से किया। अब आपको क्या करना है, आपके घर में तुलसी माँ होगी, तुलसी मैया के गमले में आप थोड़ा सा एक छोटा सा गड्ढा करें और दूसरी इलायची को उसमें दबा दें। जहाँ पर आपने दूसरी इलायची को दबाया है उस पर आप दूसरा दीपक करें, और दीपक करने के बाद आप तुलसी माँ के समक्ष भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप करना है। और तुलसी माँ से और श्री हरि से आप प्रार्थना कीजिए कि आपको धन समृद्धि मिले, जिससे कि आप जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति पा सके, आपके पैसे में बरकत हो, ताकि आपको कर्ज से छुटकारा मिल सके। इस प्रकार आपको दोनों इलायची से आपको गणेश जी और तुलसी मैया के सामने यह उपाय करना है, जिससे आप वाकई आप यकीन मानिए ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति जल्द ही मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको मेरे चैनल पर बहुत सी ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जय श्री हरि।